ओम शांति। आज की तारीख है 29/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 2/12/93 की मुरली है और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है नंबर 1 बनने के लिए। ध्यान से सुने सभी, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बनो। गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा बोले। आज बेहद के मात पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से सच्चे अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं? ऐसी विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखूट, अटल और अखंड हैं, वही विजयमाला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवादारी। जब आवाज दी पहुंच गए, जी हजूर, जी हाजिर हो गए, तो अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवादारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवादारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो, संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापुर से दानी आत्माएं, अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हो, अखूट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखूट और अखंड महादानी बनते हो। तो याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व अखंड योगी तु आत्माएं सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महा सहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते। अब सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है सहन शक्ति का कवच पहन। संपूर्ण स्टेज को वरने वाले अर्थात प्राप्त करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा कहते हैं कि अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वो नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं, कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना है, रहम दिल बनना है। ओम शांति।